किसी भी प्रकार के हिंसा का विरोध करती है और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, इसमें जो भी समस्या है उसका समाधान हिंसा से नहीं है। इसलिए चाहे कश्मीरी पंडितों की हत्या का विषय हो टारगेट किलिंग में, या जो है आम कश्मीरी और जम्मू के नागरिकों की हत्या हो, जैसे रजनीवाला की हत्या हुई या वो एक्ट्रेस भट्ट की हत्या हुई, ये जो सारी टारगेट किलिंग है इसका जो है नेशनल पार्टी घोर निंदा करती है। दूसरी बात यह है कि इसके विरोध में हम लोग जो है युवाओं से एक संवाद का कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके दौर में हम लोग जो है 15 दिन के टूर पे जम्मू और श्रीनगर दोनों रीजन में जिले जिले में जा रहे हैं। सर, आपकी पार्टी का नाम है नेशनल यूथ पार्टी, आज तक आपने यूथ के लिए आपकी पार्टी ने क्या कदम उठाए, क्या काम किए? नेशनल यूथ पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और देश के 14 राज्यों में नेशनल पार्टी का पूरा काम है। नेशनल यूथ पार्टी कॉमन यूथ को पॉलिसी मेकर बनाना चाहती है, इसके लिए उनको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको चुनाव में उतारती है। नेशनल पार्टी जम्मू कश्मीर में भी सारी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसकी जो है जिले जिले में हम तैयारी कर रहे हैं, जिले जिले में हमारी यूनिटें खड़ी हैं और उनके उसी के दौर में हम ये दौरा कर रहे हैं। जम्मू में किस तरह से सक्रिय है आपकी पार्टी? आपने तो शायद पहली बार आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कवर कर रहे हैं, पहले कहाँ पे आपके हेड ऑफिस कहाँ पे है, किस तरह से आप लोगों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं? हमारा स्टेट का हेडक्वार्टर राजबाग श्रीनगर में है, पार्टी का जो नेशनल हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। जम्मू में अभी हमारा कार्यालय ओपन नहीं हुआ है, 2-3 जगहों पे बातचीत चल रही है, एक महीने के अंदर जो है हमारा जम्मू में रीजन का भी हेडक्वार्टर ओपन हो जाएगा। जहाँ तक यूथ की बात है, हम यूथ के लिए जो है एक कश्मीर में एक डिफरेंट टाइप की समस्या है, उस समस्या को लेकर के हम एक संवाद का कार्यक्रम चला रहे हैं कि यूथ आए और खुद मुख्तार बने, अपनी भूमिका को खुद तय करें। जहाँ से कश्मीरी पंडित आज प्लान कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों में कॉल आई है कि वापस चल पड़ो, आप उनको किस तरह से रोकेंगे? नहीं, हम तो बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी सुरक्षा की बात उठा रहे हैं, सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके इस कॉल में वापस जाएं या ना जाएं ये उनके ऊपर। जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार तो है नहीं, तो आप एलजी प्रशासन को कहीं ना कहीं जिम्मेदार या कसूरवार ठहराएंगे इनके लिए? नहीं, निसंदेह जो केंद्र की सरकार है और उसके अंडर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वही दोषी हैं, क्योंकि पूरी लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका उन्हीं के हाथ में। अभी तक आपने आपने कहा कि अभी कोई भी ऑफिस यहाँ जम्मू में नहीं बनाया, आपने कहा वो आप किन यूथ के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए? हम जो है पूरे देश में यूथ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जम्मू रीजन के यूथ हैं, उनकी समस्या। इससे जम्मू की बात करें तो काफी प्रदर्शन हो रहे हैं, आए दिन युवा सड़कों पर है, काफी सारे मुद्दे हैं, युवा बेरोजगारी की मार को लेकर रहे, जो डेली वेजर मुद्दों पर, आज तक आपने उनके साथ उनके लिए क्यों नहीं बात कही? आज आप पहली बार प्रेस वार्ता कर रहे हैं टारगेट किलिंग को लेकर, नहीं इससे पहले आपकी पार्टी कहाँ थी? अगर आपकी पार्टी वजूद में तो क्यों नहीं यूथ के साथ खड़ी हुई? आपकी पार्टी का नाम है नेशनल यूथ पार्टी, तो फिर क्यों नहीं आप लोग यूथ के साथ दिखे थे? पहली बात तो यह है कि आपने शायद देखा नहीं फिर, ठीक है, मैं पिछली बार भी आया था और सर देखा नहीं, हम कवर करते हैं, रोज करते हैं सड़कों पर, हम उन लोगों के साथ, युवाओं के साथ। मैम अगर हमारी हमारे जवाब हमारी जवाब सुन लेंगी तो फिर शायद जो है आप क्वेश्चन करें तो मैं जवाब दूं, ठीक है। पिछली अप्रैल में ही जो हमने जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कौन सी डेट थी, 23 अप्रैल को जो हमने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको सूचना मिली या नहीं मिल पाई? ये जी कश्मीर पे भी टेलीकास्ट हुआ। हाँ जी, कश्मीर पे भी टेलीकास्ट हुआ था, कश्मीर के जो है हंदवाड़ा गए थे, कुपवाड़ा गए थे, सोफिया गए थे और गांधरबल गए थे। हम जम्मू की बात कर रहे हैं। नहीं, जब बात करेंगे तो पूरे स्टेट की बात करेंगे, पर हम जम्मू की बात कर रहे हैं ना, आप कश्मीर की बार बार बात करें, कश्मीर की बात नहीं कर, पर जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू की बात कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर दोनों स्टेट एक है, जम्मू रीजन की समस्या दूसरी है, कश्मीर कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी तो है, बिल्कुल यूनियन टेरिटरी तो है, और दोनों यूनियन टेरिटरी दो नहीं है, लद्दाख तो अलग हो गया, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी में J&K तो एक ही है ना, तो जब भी बात होगी पॉलिटिकल यूनिट की तो एक बात होगी, लेकिन जम्मू रीजन की समस्या और कश्मीर रीजन की समस्या दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, जम्मू के यूथ की समस्या और कश्मीर के यूथ की समस्या दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं जम्मू के अंदर बात कर रहा हूँ, तो जम्मू के अंदर जो बेरोजगारी है, जम्मू के अंदर जो यूथ है, उसके लिए हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं और हमने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमने पूरा अभी टैगोर हॉल में हम अपना एक्शन प्लान लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ से लौट करके फिर जम्मू में भी हम अपना एक्शन प्लान लॉन्च करेंगे कि हम यूथ के लिए क्या। सर आपको क्या लगता है कि सरकार बनाना इतना आसान है, एक प्रेस वार्ता या दो प्रेस वार्ता करने से क्या सरकार बन जाएगी? सर यूथ आपके साथ जुड़ेगा, जनता पर विश्वास करेगी?
ये तो चुनाव लड़ने के बाद पता चलेगा कि जो है जुड़े कि नहीं। ये एक संभावित क्वेश्चन है, इसका तो आंसर देना बहुत कठिन है। जब चुनाव में जाएंगे और चुनाव में तब आप परिणाम देखिएगा कि कैसे परिणाम आते हैं।